16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगवाने के बाद भी 11 महीने की बच्ची की मौत हो गई। जी हाँ, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की अजीब बीमारी से जूझ रही वेदिका शिंदे का निधन हो गया। लाख कोशिशों के बावजूद वेदिका के माता पिता उसे बचा ना सके। दरअसल पुणे की रहने वाली वेदिका शिंदे के इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन चाहिए था, क्योंकि वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी से ग्रसित थी। लोगों ने किसी तरह से वेदिका की मदद करने के लिए 16 करोड़ रुपए जमा भी किए, जिसके बाद इलाज के लिए इतना महंगा इंजेक्शन भी खरीदा और नर्स ने मासूम को इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन फिर भी उसकी जान न बच सकी और उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। वेदिका को खेलते वक्त अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद वेदिका को तुरंत अस्पताल लाया गया। तब उसके माता पिता को इस बात का पता चला कि वेदिका को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है, जिसे सुनकर वो एकदम घबरा से गए, क्योंकि इस बीमारी का इलाज इतना आसान नहीं था। इस बीमारी के इलाज के लिए उन्हें 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन खरीदना था, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए ये ठाना कि वो कुछ भी करके वेदिका का इलाज जरूर करवाएंगे, जिसके बाद उन्होंने एड़ी चोटी एक करके क्राउड फंडिंग के जरिए 16 करोड़ रुपए जमा भी किए थे। वहीं इस काम के लिए अभिभावकों ने अपनी पूरी ताकत और जान लगा दी थी और किसी तरह से 16 करोड़ रुपए जमा कर लिए, जिसके बाद पुणे के प्राइवेट हॉस्पिटल में वेदिका को जोलगेंसमा नाम की महंगी वैक्सीन दी गई। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वेदिका की जान नहीं बचाई जा सकी। बता दें, जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी शरीर में SMA1 जीन की कमी से होती है। इससे बच्चे की मांसपेशियां कमजोर होती हैं और शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ब्रेस्ट फीडिंग करने और सांस लेने में होती है। इस बीमारी में बच्चा धीरे धीरे पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा ब्रिटेन में है। वहाँ हर साल करीब 60 बच्चों को ये जन्मजात बीमारी होती है, लेकिन ब्रिटेन में इस बीमारी की दवा या इंजेक्शन तैयार नहीं होते। इसके इलाज के लिए यूज होने वाले इंजेक्शन का नाम जोलगेंसमा है, जो ब्रिटेन में भी अमेरिका, जर्मनी और जापान से मंगवाए जाते हैं। इस बीमारी से ग्रसित बच्चे को इस इंजेक्शन का एक ही डोज देना काफी होता है। ये इंजेक्शन जीन थेरेपी का काम करता है, जो मेडिकल जगत में एक बड़ी खोज है। इसी वजह से ये इंजेक्शन इतना महंगा बिकता है। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।